अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है बेसिकली मैंने अपनी गाड़ी की जो है वो रेस केबल चेंज करनी है। तो रेस केबल हम इसकी चेंज करते हैं, और मैंने बड़े अरसे से इसकी रेस केबल लेके रखी हुई थी लेकिन अभी तक मैंने चेंज नहीं की थी। अब इसको इंशाल्लाह हम चेंज करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमने चेंज कैसे करना है। अब आपने मेरी आवाज़ मेरी एनर्जी के ऊपर नहीं चना, आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं और दोपहर का वक्त है, फुल गर्मी पहाड़ी गली के अंदर, तो मैं इस वजह से थोड़ी सी मेरी बैटरी डाउन होगी, मेरी मतलब कि मोबाइल की नहीं, मेरी बैटरी डाउन रहेगी। और जो इसकी रेस केबल है वो हमने बिल्कुल ओरिजिनल जो सुजुकी की ली है वो ली है। और असल में केबल चेंज करना ज़रूरी क्यों था, तो केबल को चेंज करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरी गाड़ी की एक दफ़ा रेस चलते चलते जो है ना वो अड़ गई थी। रेस मैंने जगह पर रेस दी तो रेस वहाँ से वापस नहीं आई, तो वो बड़ा ख़तरनाक काम है। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं आई थी। वो जहाँ से एक जगह से रेस जो है वो रेस की जो तार है वो टूट गई थी, तो वो उसकी वजह से वो अड़ रही थी, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। तो इसकी वजह से हमने रेस केबल जो है वो जाके मार्केट से ओरिजिनल ली है, 1200 रुपये की ओरिजिनल से जो कि रेस की केबल आई है, वो हम लगाएंगे और फिर आपको हम उसका रिस्पांस बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये केबल जो यहाँ से आपको टूटी हुई नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली जो केबल टूटी हुई है ना, ये अड़ गई थी यहाँ पे जब एक दफ़ा रेस थी मैंने, तो ये यहाँ पे आके किसी चीज़ के अंदर अड़ी है थोड़ी सी, और रेस जो है वो अड़ गई थी, वो वापस नहीं आई। तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है, रेस और ब्रेक के साथ ना इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए आपने फ़िल्टर उतार लेना है, फ़िल्टर बॉक्स उतार के। ये दो पेच हैं, ये पेच हम खोलेंगे, ये पेच खोल के तो जो हमारी रेस केबल है वो बाहर आ जाएगी। अब यहाँ से जो है ये हमारी केबल जो आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर निकलनी है, तो पहले हम इसको अंदर वाली साइड से निकाल लेते हैं। ये जो हमारा रेस का जो लीवर है ये इसके साथ लगी हुई है, तो इसको हाथ की मदद से निकाल लें या फिर कोई प्लास ले लें, प्लास की मदद से आपने जो है इसको खींच लेना है, तो ये बड़ा ईजीली निकल आएगा। तो ये जी, आपने प्लास की मदद से इसको खींच लेना है और ये आसानी जो है ये अपनी जगह से निकल आएगा, और इसके बाद बस आपने इसको बाहर की तरफ से बस तार को खींचना है, एंड यू आर गुड टू गो। आपकी जो है रेस केबल ये बाहर निकल आएगी। तो ये जी, हम लोगों ने अपनी केबल लगा ली है, हमने बस उस तरफ से दूसरी तरफ से जो है इंजन की तरफ से वायर अंदर घुसाई है, और यहाँ से अब हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर लगाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, इसके ऊपर बस हमने इसको रखना है और इसको ज़ोर से पंच कर देना, और ये इसके साथ फिक्स हो जाएगी। और इसको हमने इसकी बाहर वाली साइड से जाके तो फिर इसकी सेटिंग भी अभी हमने करनी है। तो हमने अपनी ये केबल चेंज कर ली है, और इसके साथ ये अब आप फोम का पीस देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसलिए ताकि ये इंजन के साथ लग लग के मेल्ट ना हो जाए। तो इसको हमने यहाँ पे लगाना है, जैसे उतारा है बिल्कुल सेम एज इट इज़, हमने इसको यहाँ पे लगा के इसके नट टाइट कर देने हैं, और हमने उसको उतना ही टाइट करना है जितनी आपको उसकी रेस की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी रेस की केबल हो गई है चेंज। और ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।